यूपी दे हाथरस हादसे तो बाद बाबा होया फरार। मुख सेवादार अते होरा खिलाफ एफआईआर दर्ज। हुण तक 116 लोकां दी होई मौत। पीएम मोदी ने प्रगटाया हादसे ते दुख। बीती दिनी उत्तर प्रदेश के हाथरस दे विच इक वड्डा हादसा वापर गया जिथे कि सत्संग दौरान भाजण मच गई, जिस दौरान दस्या जा रहा है कि 122 लोकां दी हालत काफी ज्यादा गंभीर दसी जा रही सी ते बाद विच पता लग्या कि 100 तो वध मौतां हो गईयां ने ते हुण अंकड़ा जिहड़ा कि सामने आया है 116 लोकां दी इस हादसे ने जान लै लई है। तां इस हादसे दे उत्ते पीएम मोदी ने भी दुख प्रगटाया है ते उन्हां ने भी परिवारां दे नाल डूंघी संवेदना दिखाई है। दस दईए कि बेहद ही दर्दनाक हादसा सी जिहड़ा बीती दिनी वापरिया। इस हादसे तो बाद जिहड़ा बाबा है वह मौके तो फरार है। बाबे की जिहड़ी तलाश है वह पुलिस दे वल्लों लगातार जारी है क्योंकि हादसे तो बाद बाबे का कोई नाम निशान नहीं मिलिया कि कित्थे गया कित्थे नहीं। हालांकि इस हादसे का कारण यही रहा कि जिहड़े लोग सन वह इस बाबे की गड्डी के पिछे भज रहे सन अते जदों भगदड़ मच जाती है जिस कारण जिहड़े लोग ने वह एक दूजे के हेठां दब जाते हैं एक दूजे को कुचलते हुए अगे जाते हैं। तो इस दौरान 116 लोगों की मौत हो गई है तो बेहद ही दुखदाई खबर है। ये कि इस घटनाक्रम दे बारे जिहड़ी लगातार जांच पड़ताल है वो कीती जा रही है ते दस्या जा रहा है कि सत्संग दौरान 80,000 लोग ने जिहड़े ओ मौजूद सन ते हाले तक इस गल दी पुष्टि नहीं हो सकी कि 80,000 ही मौजूद सन के होर भी मौजूद सन। हालांकि तस्वीरां इस घटनाक्रम दीआं सामने आईआं ने तुसीं देख सकदे हो ते दस्या जा रहा है कि एक पुलिस कर्मी नूं भी इन्नीआं लाशां दा ढेर देख के दिल दा दौरा पै गया ते थां ही उसदी मौत हो गई क्योंकि इन्नीआं लाशां दा ढेर देख के लोग भी दंग रह गए ने क्योंकि मरण वाले ज्यादातर बच्चे ते औरतां शामिल सन जिहड़ी कि इस सत्संग दे विच गए हुए सन। तो इस घटना की लगातार जांच पड़ताल है जिहड़ी पुलिस दे वल्लों जारी है। आदरणीय सभापति जी, इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी।